हेलो फ्रेंड्स, पकौड़ा खाना तो सबका मनपसंद होता है, सबका फेवरेट होता है। तो चलिए मैं कुछ अलग डिजाइन का पकौड़ा बनाने का रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी पनीर पकौड़ा। तो ये पकौड़ा झटपट बनके रेडी हो जाएगा, तो चलिए इसको बनाने के लिए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेके आई हूँ आज पनीर पकौड़ा का रेसिपी लेके। तो पनीर पकौड़ा बनाना बहुत ही आसान है, तो मैं आपको बताती हूँ अलग अलग पनीर पकौड़ा बनाते हैं। तो पनीर पकौड़ा बनाने के लिए फ्रेंड्स, उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, इतना पनीर ले रखी हूँ। तो पनीर को इस साइज से काट रखी हूँ, तो आप चाहे तो बड़े या छोटे कुछ भी कर सकती है, इतना बड़ी को तो मैं इतना साइड से। तो आप चाहे तो इसमें इतना मोटा रखें, या चाहे इसमें से बीच में से दो टुकड़ा कर दे इस टाइप से। ऐसे भी पनीर पकौड़ा क्या होता है कि इतना पतला भी होते हैं। तो यहाँ देखिए, तो मैं बाकी को इतना ही रहने देती हूँ, आधा को ही काट लेती हूँ और बाकी मैं इसी टाइप से रहने देती हूँ। तो इसके लिए मैं मसाला रेडी करके दिखा देती हूँ कि क्या रख रही हूँ मसाला। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए पकौड़ा के लिए घोल रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बेसन ले रखी हूँ, तो बेसन में थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ हल्दी पाउडर। यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा ले रखी हूँ आधा चम्मच के हिसाब से धनिया पाउडर। यहाँ मैं ले रखी हूँ आधा चम्मच के हिसाब से लाल मिर्ची पाउडर। और यहाँ मैं थोड़ा सा ले रखी हूँ गरम मसाला पाउडर। अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, इसमें मैं डाल देती हूँ, यहाँ देखिए अब मैं डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक। थोड़ा सा मैं यहाँ ले रखी हूँ कच्चा ये हरे मिर्च, जिसे मैं डाल देती हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ले रखी हूँ दो चम्मच के हिसाब से ये प्याज। तो यहाँ पर मैं प्याज डाल देती हूँ, आप चाहे तो प्याज अपने हिसाब से कम बेसी कर सकती हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, इसको मैं हाथ से ये कर लेती हूँ, पानी का घोल डाल के इसको हाथ से बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए इसको इस टाइप से बनाना है, तो इसको मैं अच्छे से घोल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये जो घोल है इस टाइप के कर दी हूँ। तो यहाँ देखिए इस टाइप के घोल को करना है। तो अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स कि चलिए इसको घोल को आपको इस टाइप से रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के मैं कर ली हूँ। तो आपको बेसी पतला मत करिएगा, और यदि आपको लगे कि ये गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, पर मेरे लिए यही ठीक है। तो इस साइड से आपको करना है इतना। तो चलिए अब मैं इसको फ्राई करने के लिए चलती हूँ गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैं ऑयल गर्म करने के लिए बैठा दी हूँ, तो मेरा अच्छे से ऑयल हीट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, जैसे कि फ्रेंड्स ये मेरा है पकौड़ा, तो यहाँ पर देखिए मैं पनीर को डाल दी हूँ। तो यहाँ पनीर डाल के, और यहाँ पर देखिए ये इस तरह पनीर को डिप करना है, और डिप करके यहाँ पर ऐसे डाल देना है। तो पनीर को इसी तरह डिप करके और यहाँ पर डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो हाथ से डाल दें या चम्मच से, कोई भी चीज़ से डाल दें। तो मैं चम्मच से डाल रही हूँ। यहाँ देखिए इसको इस तरह से डिप करना है इसमें, और यहाँ से लेके यहाँ डाल देना है। तो मैं सारे पकौड़ों को ऐसे ही डाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सारा डाल दी हूँ। तो नीचे से इसको अच्छे से पकने देती हूँ, फिर मैं इसको पलटूंगी। तो इसको हाई मीडियम पर अच्छे से ये मेरा पक जाए, फिर मैं इसको पलटूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पकौड़ा जो है नीचे वाला पार्ट पक गया है, तो मैं इसको पलट देती हूँ मेरा पकौड़ा को। इससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ देखिए मैं पकौड़ा को पलट दे रही हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो मैं सारे पकौड़े को ऐसे ही पलट दे रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा नीचे वाला पार्ट जो है पक गया है, तो मैं दूसरे साइड से भी इसको अच्छे से पका लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पकौड़ा बन के रेडी है। तो दोनों साइड से ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स कि जो मेरा पकौड़ा है, पकौड़ा को निकाल लेती हूँ तेल को अच्छे से झाड़ के। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो अब मेरा ऑयल है, तो मैं ऑयल से निकाल लेती हूँ पकौड़ा को। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। मैं सारे पकौड़े को इसी टाइप से निकाल ले रही हूँ। जो मेरा बाकी का पकौड़ा है उसको भी मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, इसमें डिप करूंगी। और यहाँ पर देखिए पकौड़ा है जो सबको ऐसे ही बना लेती हूँ। तो मैं सारा पकौड़ा को, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सारा पकौड़ा को डाल दी हूँ। तो मैं इसको नीचे से पकने देती हूँ, फिर मैं इसको पलटूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा नीचे वाला पार्ट हो गया है, तो मैं इसको पलट देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर पलट दे रही हूँ सारे पकौड़ा को। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरा पनीर पकौड़ा बन के रेडी है। और यहाँ देखिए कितना टेस्टी बना है, और कितना सुंदर कलर भी आया है, और ये बहुत क्रिस्पी भी बना है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना, और अंदर से इतना क्रिस्पी बना है।
और आप इसको हरी चटनी या सॉस कुछ भी के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। और ये बड़े और बच्चों को सबको बहुत पसंद पड़ेगा। और मेरी रेसिपी कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।